जाम छलकाने पर भले ही सूबे की नीतीश सरकार ने पाबंदी लगा रखी हो, मगर दिल की तलब जाएगी कैसे। शराबबंदी के बाद तस्करों ने खाकी को कच्चा खिलाड़ी समझकर खूब चांदी काटी है, तभी तो ट्रकों में भर भर कर शराब की खेप मंगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वैसे तस्कर डाल तो पुलिस पात पात चल रही है। शराब तस्करों पर ये बड़ा चोट बेगूसराय पुलिस ने किया है। जिले की निमाचांदपुरा पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब जब्त करते हुए 3 लोगों को धर दबोचा है। अब सरगना की तलाश में पुलिस खाक छान रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि बंद्वार में डमरू सिंह के घर शराब की बड़ी खेप मौजूद है। इस इनपुट के बाद निमाचांदपुरा पुलिस ने तत्काल इलाके को घेर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस उस वक्त सकते में पड़ गई जब यहां विदेशी शराब की बड़ी खेप मिली। बड़ी बात यह है कि तस्कर ट्रक से शराब की खेप उतार चुके थे। अब इन कार्टून्स को अलग अलग इलाकों में एजेंट के पास भेजना था, लेकिन इससे पहले कि तस्करों का मकसद पूरा होता, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। निमाचांदपुरा थाना द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान सूचना मिली, जिसके आधार पर इनके द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें शराब बरामद हुआ है। शराब कुल 3897 लीटर और लीटर में यह शराब है, जिसमें से 7 रेयर विस्की और गोल्ड स्पेशल विस्की, किंग्स गोल्ड स्पेशल विस्की, ये 2 ब्रांड है। और साथ में एक ट्रक भी बरामद हुई है। ट्रक से शराब उतार ली गई थी और उसके बाद भी त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक भी को पकड़ा गया। ट्रक पर 3 व्यक्ति उस पर सवार थे, जिनकी भी गिरफ्तारी की गई। इसमें ड्राइवर है, बाकी 2 सहयोगी हैं। और जो शराब बरामद की, इसके बारे में भी हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, कहाँ से लाया गया, किसको दिया जा रहा था, इस विषय में फिर अलग से और छानबीन के बाद विस्तृत रूप से इसकी प्राथमिकी दर्ज की। बेगूसराय पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान करीब 300 कार्टून से अधिक शराब बरामद की गई है। इसकी कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तस्करी के नेटवर्क को खंगालते हुए मुख्य सरगना की तलाश चल रही है। रिपब्लिकन न्यूज के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।